नमस्कार साथियों, आज आपके साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसे कैसे प्रमाणित करेंगे? हमारे आप पिछले वीडियो में भी देखा होगा √3 की जगह √2 एक अपरिमेय संख्या कैसे सत्यापित किया गया। ठीक उसी तर्ज पर इसको भी सत्यापित करेंगे। मान लीजिए कि √3 एक परिमेय संख्या है, √3 बराबर पी बटे क्यू होगा, जहाँ पी और क्यू सरलतम रूप में है, पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू 0 बराबर नहीं है। इसलिए साथियों पी बराबर √3 क्यू होगा, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो पी स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर। यहाँ 3 आभास संख्या है तो पी स्क्वायर 3 का गुणज है, इसलिए पी भी 3 का गुणज होगा। माना पी बराबर 3k, ऊपर के समीकरण में इसका मान हम इस समीकरण में भरते हैं तो 3k² बराबर 3q² हो जाता है। 9k² बराबर 3q² कैंसिल हो जाएगा, q² बराबर 3k² हो गया। स्पष्टतः q² 3 का गुणज है, 3 एक आभास संख्या है इसलिए q भी 3 का गुणज होगा। इसलिए मान लिया q बराबर 3k1। अब p बटे q, p बराबर 3k है और q बराबर 3k1 है, स्पष्टतः यह सरलतम रूप में नहीं है, इसलिए मेरा मानना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है। अतः विरोधाभास के नियम से √3 एक अपरिमेय संख्या है। धन्यवाद साथियों, हमारे चैनल से जुड़े रहें, ऐसे अनेक वीडियो आपको देखने को मिलेगा। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।